हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल मस्ती चैनल और आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं तीन स्मार्टफोन जिनकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम एक साथ। सबसे पहला स्मार्टफोन हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M10s, दूसरा स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A10s और तीसरा स्मार्टफोन हमारे पास वीवो U10 है। तीनों मोबाइल 3GB वेरिएंट है, तीनों में आपको 3GB रैम 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं तीनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन। सबसे पहले नजर डालते हैं कंटेंट पर और अगर आप आए हैं चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। ऐसी वीडियो यहाँ पर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तीनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन कर दिया है। सबसे पहले M10s पे नजर डालें तो एक मिनी बॉक्स हमें इसमें मिलता है जिसके अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड दिया गया है। इसके बाद आता है हमारा स्मार्टफोन, फिलहाल के लिए इसे रख लेते हैं। साइड में अंदर एक चार्जर अडेप्टर दिया गया है और एक USB केबल। चार्जर 15 वाट का ये चार्जर है और इसकी आउटपुट रेटिंग हमें मिलती है 9 वोल्ट 1.67 एम्पीयर और 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की आउटपुट रेटिंग के साथ। यह चार्जर आता है 4000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए। USB केबल की बात करें तो आपको इसमें टाइप सी USB केबल मिलती है, तो USB केबल काफी अच्छी आपको इसमें मिल जाती है। सिम इजेक्टर पिन यहाँ पर दी गई है। इसके बाद सैमसंग गैलेक्सी A10s में भी बिल्कुल सेम हमें एक मिनी बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर हमें बिल्कुल सेम क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड दिए गए हैं। इसके बाद स्मार्टफोन है, फिलहाल के लिए इसे भी रख लेते हैं। साइड में अंदर एक चार्जर अडेप्टर और एक USB केबल हमें इसमें मिलती है। चार्जर की आउटपुट रेटिंग देखें तो नॉर्मल चार्जर है 10 वॉट का, 5 वोल्ट 1.55 एम्पीयर की आउटपुट रेटिंग आपको इसमें मिलती है और यह भी 4000 mAh की बैटरी को चार्ज करता है। USB केबल देखें तो आपको इसमें नॉर्मल USB केबल दी गई है, यानी कि आपको इसमें टाइप सी USB केबल नहीं मिलती है। सिम इजेक्टर पिन यहां पर दी गई है। आप नजर डालते हैं वीवो U10 में तो इसमें हमें मिनी बॉक्स सबसे ऊपर दिया गया है जिसके अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, IMEI स्टिकर्स, सिम इजेक्टर पिन और ये है फोन का एक सुरक्षा कवच, फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सुरक्षा कवच आप इस मोबाइल के साथ मिल जाता है, जबकि दोनों सैमसंग के मोबाइल में आपको कोई भी कवर नहीं दिया गया है। और इसके बाद स्मार्टफोन, इसे हम साइड में रख लेते हैं। अंदर एक चार्जर अडेप्टर और एक USB केबल हमें इसमें मिलती है। चार्जर हमारा ये 18 वॉट का फास्ट चार्जर है और इसकी आउटपुट रेटिंग है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर, 9 वोल्ट 2 एम्पीयर, तो काफी बड़ा चार्जर आपको इसके साथ मिल जाता है। और बैटरी आपको इसमें मिलती है 5000 mAh की, जबकि सैमसंग गैलेक्सी के मोबाइल में आपको दोनों मोबाइल में 4000 mAh की बैटरी दी गई है। USB केबल आपको इसमें नॉर्मल USB केबल मिलती है। और ये है तीनों स्मार्टफोन। फ्रंट लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है तीनों स्मार्टफोन का। वीवो U10 में आपको एक स्क्रैच गार्ड ऑलरेडी लगा हुआ मिल जाता है, जबकि दोनों सैमसंग के मोबाइल में आपको कोई भी स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज की, तो सैमसंग गैलेक्सी M10s में आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.4 इंच का HD+ सुपर एमोलेड इंफिनिटी वी डिस्प्ले, वहीं आपको सैमसंग गैलेक्सी A10s में 6.2 इंच की HD+ TFT LCD दी गई है और वीवो U10 में आपको 6.35 इंच की HD+ IPS LCD मिलती है। तीनों मोबाइल के एस्पेक्ट रेशो की बात करें, सैमसंग गैलेक्सी M10s में आपको 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशो, सैमसंग A10s में 19:9 का और वीवो U10 में 19.3:9 का एस्पेक्ट रेशो दिया गया है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिलता है सैमसंग M10s में 720x1560 पिक्सल का, सैमसंग A10s में मिलता है 720x1520 पिक्सल का और वीवो U10 में आपको मिलता है 720x1544 पिक्सल का। तीनों मोबाइल की हाइट की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M10s में आपको 158.4 मिलीमीटर की हाइट मिलती है, 156.9 मिलीमीटर की हाइट A10s में और वीवो U10 में आपको 159.4 मिलीमीटर की हाइट दी गई है। वही बात करें तीनों मोबाइल की थिकनेस की तो सैमसंग M10s में 7.8 mm की थिकनेस, सैमसंग A10s में भी हमें 7.8 mm की थिकनेस और वीवो U10 में आपको मिलती है 8.9 mm की थिकनेस। तीनों मोबाइल का वेट की बात की जाए तो सैमसंग M10s का वेट है 169 ग्राम, सैमसंग A10s का वेट है 168 ग्राम और वीवो U10 का वेट है 190.5 ग्राम, यानी कि वीवो दोनों मोबाइल से हैवी है क्योंकि इसमें आपको मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी। अब नजर डालते हैं सैमसंग गैलेक्सी M10s में तो राइट साइड में हमें इसमें मिलती है पावर ऑन की, वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक दिया गया है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, लेफ्ट में आपको सिम ट्रे मिलती है, बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल।
बैक साइड में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग यहां पर मिलती है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, साथ ही रियर में आपको 13+2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा विद एलईडी फ्लैशलाइट मिलते हैं। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और बात करें सैमसंग गैलेक्सी A10s की, तो इसमें राइट साइड में हमें पावर ऑन की मिलती है, ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, लेफ्ट में आपको वॉल्यूम की और सिम ट्रे दी गई है, बॉटम में आपको मिलता है स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक और 3.5 mm का ऑडियो जैक। बैक साइड आपको सैमसंग की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर और रियर में आपको 13+2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा विद एलईडी फ्लैशलाइट मिल जाते हैं। सैमसंग M10s और सैमसंग गैलेक्सी A10s का बैक पैनल हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। फ्रंट में हमें इसमें भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और अब बात करते हैं वीवो U10 की, तो राइट साइड में हमें पावर ऑन की, वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं, ऊपर की साइड कुछ नहीं है, लेफ्ट में हमें सिम ट्रे, बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, चार्जिंग जैक, प्राइमरी माइक और स्पीकर ग्रिल सब कुछ बॉटम में मिल जाता है। बैक साइड वीवो की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर और रियर में आपको मिलते हैं 13+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल AI कैमरा विद LED फ्लैशलाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर इसमें भी आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तीनों मोबाइल का बैक पैनल हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तीनों मोबाइल की पावर को हमने कर दिया है ऑन, पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया है, ब्राइटनेस तीनों की कर दी है हमने फुल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M10s में काफी शाइनिंग आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो ये देखिए, इसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, काफी अच्छी आपको इसमें डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है। वहीं सैमसंग A10s की डिस्प्ले क्वालिटी कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है, और वीवो U10 की डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हैं कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। तीनों मोबाइल का इंटरफेस कुछ ऐसा दिया गया है। सैमसंग M10s में स्क्रॉल अप करने पर सारी की सारी ऐप देखने को मिलती है, सैमसंग A10s में भी आप स्क्रॉल अप करें तो सारी की सारी ऐप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जबकि वीवो U10 में आपको लेफ्ट राइट करने पर सारी की सारी ऐप मिलती है। तीनों मोबाइल में कई ऐप आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। आप नजर डालते हैं सेटिंग में, सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी M10s की हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में स्क्रॉल डाउन करने पर सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर हमें IMEI नंबर दोनों स्लॉट के मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाएं तो इसमें वन UI वर्जन 1.1 का दिया गया है, एंड्रॉयड वर्जन 9.5 हमें इसमें मिलता है, बाकी सिक्योरिटी पैच लेवल हमें 1 अगस्त 2019 का इसमें दिया गया है। बात करें इसके चिपसेट की, तो इसमें हमें सैमसंग एक्सिनोस 7 ऑक्टा 7884B का चिपसेट मिलता है, और प्रोसेसर हमें इसमें 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। और अब नजर डालते हैं सैमसंग गैलेक्सी A10s की सेटिंग में, इसमें भी हम सेटिंग में चले जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करने पे सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, इसमें भी आपको IMEI नंबर दोनों स्लॉट के दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाए तो इसमें भी हमें वन UI कोर का 1.1 वर्जन मिलता है, एंड्रॉयड वर्जन 9.5 दिया गया है, और सिक्योरिटी पैच लेवल हमें 1 जून 2019 का इसमें मिलता है। बाकी बात करें चिपसेट की, तो MediaTek Helio P22 का आपको इसमें चिपसेट मिलता है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ यो आता है। वहीं बात करते हैं वीवो U10 की, तो इसमें भी हम सेटिंग में चले जाते हैं, सेटिंग में स्क्रॉल करने पर हमें मोर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसमें सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, फन टच OS पे यो वर्क करता है, IMEI नंबर दोनों स्लॉट के इसमें भी हमें दिए गए हैं, एंड्रॉयड वर्जन 9.5 हमें इसमें भी मिलता है, प्रोसेसर 2.0 GHz का दिया गया है, और इसमें हमें चिपसेट मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का। बाकी 3GB रैम आपको तीनों मोबाइल में मिलती है, और 32GB का इंटरनल स्टोरेज आपको तीनों स्मार्टफोन में दिया गया है। सैमसंग M10s और A10s में आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 512GB तक बढ़ा सकते हैं, जबकि वीवो U10 में आप 256GB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि मेमोरी कार्ड आप इतने का लगा सकते हैं। तीनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा हमने कर दिए ऑन, तो काफी अच्छी क्वालिटी हमें तीनों मोबाइल के कैमरा से देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सैमसंग M10s के कैमरा पर, तो ये है सैमसंग M10s का कैमरा, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। जूम करके देख लेते हैं, तो 4x तक हम इसमें जूम कर सकते हैं, पूरा 4x हमने जूम कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा जूम है। एक पिक्चर यहाँ पर हम कैप्चर कर लेते हैं, और अब नजर डालते हैं सैमसंग A10s के कैमरा पर, तो यहाँ पर भी हम जूम करके देख लेते हैं, तो इसमें भी हम 4x तक जूम कर सकते हैं, और इससे भी हम एक पिक्चर को कैप्चर कर लेते हैं। और अब नजर डालेंगे वीवो U10 के कैमरा पर, तो यहाँ पर भी हम जूम करके देख लेते हैं, तो पूरा 4x हम इसमें भी जूम कर सकते हैं, यानी कि तीनों मोबाइल में हम 4x तक जूम कर सकते हैं। तो तीनों मोबाइल से हमने एक एक पिक्चर कैप्चर कर ली है, तो ये है तीनों मोबाइल से ली गई पिक्चर, हमें कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है।
और ये है तीनों मोबाइल से ली गई सेल्फी, कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। कलर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा तीनों मोबाइल के कैमरा से। तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कैमरा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल के प्राइस की। तो सैमसंग गैलेक्सी M10s आपको मिलता है मात्र 8,000 रुपए की ऑनलाइन प्राइस रेट में, और सैमसंग A10s 9,500 से 10,000 रुपए की कीमत में आपको मिलेगा। वहीं वीवो U10 आपको मिलता है 9,000 रुपए की प्राइस में। तो आप कौन सा मोबाइल परचेज करना चाहोगे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने तीनों मोबाइल में से कोई सा भी मोबाइल परचेज कर रखा है तो मोबाइल के बारे में अच्छाइयां बुराइयां कोई भी जानकारी अगर आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी मदद मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।